हे गाइज, कैसे हैं आप सब। सो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कैंडिस का फैन। गाइज, ये कैंडिस एक नया कंपनी है, लोकल मार्केट में तो आपको शायद नहीं मिलेगा, बट ये अमेजोन पर आपको मिल जाएगा। और इस पंखा को मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है अपने यूजर्स के लिए, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस पंखा को मैंने 2021 में ही परचेज किया था, जून जुलाई के महीने में। और उस टाइम जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके जो है अपने कंप्यूटर में रख दिया था, मैं थोड़ा बिजी था तो मैं इस वीडियो को जो है एडिट करके यूट्यूब पर नहीं डाला था। बट अब 2022 आ चुका है और 2022 में जो है गर्मी काफ़ी बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा चलो भाई उस वीडियो को एडिट करके जो है अब यूट्यूब पर डाल देते हैं और अपना एक साल का एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि कैंडिस का इस पंखा का एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा। तो गाइस चलिए रिव्यू करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं और सब कुछ आपको डिटेल्स में। तो गाइस, जब आप बॉक्स से इस पंखा को निकालोगे तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कॉइल है और ये कप है और ये क्या बोलते हैं इसको, पत्ती बोलते हैं ना, हाँ इसको पत्ती बोलते हैं आई थिंक। तो ये पत्ती है, जैसे आप ये देख सकते हो। और भाई ये पत्ती भी थोड़ा स्टाइलिश है और इस पंखा का जो कॉइल है वो भी स्टाइलिश है, इसी वजह से मैंने कैंडिस का ये पंखा मंगाया है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे पंखा अवेलेबल हैं, बट उसमें उतना अच्छा डिजाइन नहीं है और मुझे थोड़ा डिजाइन वाला पंखा चाहिए था अपने घर के लिए। तो ये जो डिजाइन है ना ब्लू कलर का, इसी डिजाइन की वजह से मैंने इस पंखा को मंगाया है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये ब्लू कलर का डिजाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यही डिजाइन जो है आपको, ये कप है और यही डिज़ाइन जो है आपको उसमें भी मिलता है, कॉइल में भी मिलता है। और ये एक नट दिया गया है जो कि रॉड में लगते हैं, छत के रॉड में लगेगा। और ये रहा हमारा डंटी जो कि रॉड में इसको सेट करेंगे। और ये रहा हमारा फाइनली पंखा, इसको कॉइल बोलते हैं। तो कॉइल को हम निकालते हैं, देख सकते हैं आप, पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छा किया गया है। और भाई मेरे हिसाब से 1300 रुपया में जो है, 1300-1400 में ये पंखा काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। और भाई ये जो डिजाइन है ना ब्लू कलर का, वाइट कलर का, थोड़ा ग्राफिक, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कलर उठ चुका है, यहाँ से हट चुका है, बट कोई नहीं, इतना चलता है। तो भाई ये डिजाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इस पंखा को मंगाया है। मैं पहले सोच रहा था कि भाई जो इतना पैसा मैं दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मेरा 1300 रुपया बर्बाद हो जाए, बट ऐसा नहीं है। जब मैंने सेट वेट किया तो आप देख सकते हो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं आपको डिजाइन भी दिखाता हूँ, एक सेकंड, आप ये डिज़ाइन देखो, ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब इस पंखा को छत में सेट करके आपको दिखाते हैं। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो, जो पंखा मैंने 2021 में ख़रीदा था, इसका रिव्यू मैं 2022 में दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ठंडी महीना आने वाला ही था तब मैंने ये वाला पंखा ख़रीदा था और मैंने पंखा को जो है अपने छत में लगा दिया था। और अब 2022 स्टार्ट हो चुके हैं और 2022 का गर्मी मौसम भी आ चुका है, तो अब मैं इसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, हमारा पंखा जो है काफ़ी गंदा हो चुका है, बट आप ये देख सकते हैं मैंने इस पंखा को जो है बहुत यूज किया, मैंने ठंडी महीने में भी इस पंखा को यूज करा है। क्या करता था मैं, कंबल ओढ़ के सो जाता था और मैं पंखा चला देता था। तो है मैंने पंखा को यूज किया है कम से कम एक साल, और आप देख सकते हो अभी का कंडीशन थोड़ा ख़राब है, गंदा हो चुका है, उसको साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ करने के बाद जो है फिर से वो चमकने लगेगा। तो गाइस इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं आपको पंखा स्टार्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं स्टार्ट कर इसको फुल वोल्टेज, देखो आप, मैंने पंखा को स्टार्ट कर दिया। तो गाइस मेरा रूम जो है, मेरा रूम है 10x10 का, तो मेरे रूम के लिए जो है ये पंखा काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर मैं अकेला सोता हूँ तो भाई मेरे लिए तो और भी अच्छा है। तो भाई पंखा मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो, ये चीप प्राइस में अच्छा क्वालिटी का पंखा मिल जाता है, वो भी स्टाइलिश में मिल जाता है। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहो तो आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।